और सर शफीक रहमान जिस मोहब्बत से और जिस इखलास से बच्चों को स्कूल में वेलकम कहते हैं, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आपको और जिस तरह मैडम रबिया मुश्ताक साहब मेरी बहन ने स्कूल को चला रहे हैं, हम सब इनसे बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह ताला सब का जो बच्चों ने आज इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन ली है, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन्होंने नहीं लेकिन कोशिश करें अगले साल आप भी फर्स्ट आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दें। बाज़ औक़ात बच्चे कुछ वीक भी होते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी हुई है। उन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बड़ी एक्सपीरियंस टीम है हमारी टीचर्स की, वो जो है वो जज करती है कि कौन सा बच्चा क्या परफॉर्म कर सकता है, उसी हिसाब से हम बच्चे सिलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उनको तैयारी करवाते हैं स्पीचेस की, डिबेट्स की और मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंसेस की, ताकि बच्चे अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। देखिए जी, सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि जो तालीमी इदारे का सरबराह है वो अपने स्कूल में आने वाले तमाम बच्चों को अपनी ही औलाद की जगह समझे और उनके पेरेंट्स को इन बच्चों की तरबियत करने में साथ शामिल करें। अगर कोई बच्चा तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, गॉड फॉरबिड वो ऑर्फन है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, वो पे नहीं कर पाते, तो उसे ये बात नहीं देखनी चाहिए कि वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वो स्कूल से निकाल दें। हम ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो नहीं पे कर पा रहे उनको भी स्कूल में लेके चल रहे हैं। और बुनियादी बात जो कहने और करने की है कि साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ और बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो हर कोई पढ़ा रहा है, ABC तो सारी दुनिया सिखा रही और वह एक ABC है। हमारे करने का इन हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं ये पैगाम दूंगा कि वो बच्चों को अल्लाह ताला से मुतारिफ़ कराएं।